तो गाइस आज मैं आपको लेकर आई हूँ न्यू चंडीगढ़ की सबसे प्राइम लोकेशन ओमेक्स फेस वन में। सो मेरे चैनल पर आप काफी अच्छे पार्क देख सकते हैं जिनमें आपको काफी सारी फैसिलिटीज मिलने वाली है। तो गाइस अब आप ले सकते हैं ओमेक्स फेस वन में इंडिपेंडेंट फ्लोर स्टिल प्लस फोर एस प्लस फोर विद लिफ्ट बाय द नेम ऑफ ओमेक्स गार्डनिया बुटीक होम। तो कैसे आप सब, थैंक यू सो मच कि आप हमारी वीडियोस को इतना सारा प्यार दे रहे हैं और मैं आगे भी आशा करती हूँ आप इसी तरीके से हमारी वीडियोस को और भी प्यार देते रहेंगे। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस जैसे कि आप सभी जानते हैं कि ओमेक्स ग्रीनरी को लेकर हमेशा टॉप पे रहा है, तो उसी ग्रीनरी को इम्पोर्टेंस देते हुए ओमेक्स ने ग्रीनरी थीम पर ओमेक्स गार्डनिया बुटीक होम्स को जो है आपके लिए लेकर आया है। आई होप आपको बाकी प्रोजेक्ट की तरह ये प्रोजेक्ट भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। सो गाइज आपको ओमेक्स गार्डनिया बुटीक होम्स में फ्लैट के बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे जिसकी स्टार्टिंग अप्रॉक्सीमेटली 1700 स्क्वायर फीट से लेकर 2400 स्क्वायर फीट तक के आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। साथ ही साथ जो आज मैं आपको इस वीडियो में शो करने जा रही हूँ वो 2400 स्क्वायर फीट के अराउंड जो है ये सैंपल फ्लैट रहने वाला है। लग्जीरियस सैंपल फ्लैट रहेगा गाइज, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ तो ये 3 BHK प्लस सर्वेंट रूम के साथ ये आपका सैंपल फ्लैट रहने वाला है। सो गाइज अब चलते हैं हमारे सैंपल फ्लैट की तरफ। इसी के साथ ही अगर मैं हमारे फ्लैट के एलिवेशन की बात करूं तो एस प्लस फोर के साथ जो है आपको यहां पर हमारी एलिवेशन मिल जाएगी। साथ ही साथ ग्राउंड पे आपको जो है काफी स्पेशियस पार्किंग मिल जाएगी हर फ्लोर के अकॉर्डिंग। सो चलते आगे। सो यहां पर आपको लिफ्ट मिल जाती है, यहाँ आपकी स्टेयर केस आ जाती है। सो हम जो है स्टेयर केस का यूज करेंगे। सो गाइस अब हम हमारे सैंपल फ्लैट के एक्चुअल फ्लोर पे आ चुके हैं। अगर मैं बात करूँ फ्लोर पे आपको एक फ्लोर पे दो फ्लैट मिलने वाले हैं। साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ यहाँ पे आपको अलग से एक स्पेस मिल जाती है जिसे आप एज अ स्टोर रूम भी बना सकते हैं। सो अब थोड़ा आगे चलते ही यहाँ पर हमारे सैंपल फ्लैट का जो है मेन एंट्रेंस आ जाता है। साथ ही साथ आपको एक और डोर मिल जाता है जो आपके सर्वेंट रूम का डोर रहने वाला है। सो गाइस इसी के साथ ही यहाँ पर हमारा सर्वेंट रूम आ जाता है जिसके साथ आपको एक अटैच वॉशरूम मिलने वाला है। इसी के साथ ही अब हमारे सैंपल फ्लैट के मेन एंट्रेंस पे आ चुके हैं। आप देख सकते हो काफी अच्छा आपको यहाँ पे वुडन का डोर मिल जाता है। तो चलते हैं अंदर। सो गाइस इसी के साथ ही फ्लैट के अंदर एंटर करते ही हमारा ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया आ जाता है। हम चलते हैं हमारे ड्राइंग एरिया की तरफ। आप देख सकते हैं 9 सीटर सोफा लगने के बावजूद भी बहुत ही स्पेशियस आपको ये ड्राइंग एरिया मिलने वाला है। काफी अच्छी मूविंग स्पेस मिलने वाली है। अगर मैं बात करूँ बहुत ही अच्छा यहाँ पे जो इंटीरियर वर्क किया गया है, अगर आप भी अपने घर पे या फ्लैट वगैरह पे अपना इंटीरियर वर्क करवाना चाहते हैं तो आप हमारी वीडियोस से कोई ना कोई आइडियाज पिक करके एज इट इज ऐसे ही डिजाइन अपने घर में करवा सकते हैं। अब देख सकते हो बहुत ही ब्यूटीफुल यहाँ पे जो है सेंटर टेबल लगाया गया है। काफी ब्यूटीफुल यहाँ पे आपको वॉल पे पेंटिंग देखने को मिल जाएगी। काफी ब्यूटीफुल यहाँ पे मिरर लगाया गया है। अगर मैं बात करूँ काफी अच्छा यहाँ पे वॉलपेपर यूज किया गया है जो आपकी वॉल को और भी ज्यादा अट्रैक्टिव बना रहा है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ काफी अच्छी फॉल सीलिंग यहाँ पे की गई है जिसमें काफी खूबसूरत सा जो है शैंडलियर लगाया गया है जो आपकी फॉल सीलिंग को और भी ज्यादा अट्रैक्टिव बना रहा है। सो गाइस इसी के साथ ही मेरे राइट हैंड पे आपको LED पैनल मिल जाएगा। काफी यूज साइज का आपका LED पैनल रहने वाला है जिसमें काफी अच्छी जो है PVC पैनलिंग का वर्क आपको देखने को मिल जाएगा जो एक दूसरे को काफी अच्छे तरीके से कॉम्प्लीमेंट करें। अगर मैं स्पेस की बात करूँ तो स्पेस के लिए आपको काफी अच्छा यहाँ पे जो है वार्डरोब मिल जाता है। काफी प्यारी प्यारी जो है यहाँ पे पॉट्स वगैरह यहाँ पे रखे गए हैं जो और भी ज्यादा इसको अट्रैक्टिव बना रहे हैं। अगर आप चाहें तो आप भी इसी तरीके से इसको डिजाइन कर सकते हैं। अगर मैं बात करूँ ड्रॉइंग एरिया के साथ आपको विंडो मिल जाती है काफी ह्यूज साइज की जो आपको आपकी बालकनी के साथ जो है कनेक्ट करती है। सो एक बार हम हमारी बालकनी को भी देख लेते हैं।
सो गाइस यहाँ पर आपकी रनिंग बालकनी आ जाती है। आप देख सकते हो यहाँ पे काफी अच्छे अच्छे जो है फ्लावर्स लगाए गए हैं। आप भी चाहे तो आप भी इसी तरीके से यहाँ पे फ्लावर्स लगा सकते हैं। अगर मैं बात करूँ तो आप यहाँ पे काफी अच्छा जो है आर्टिफिशियल ग्रास लगा सकते हैं और अपना बहुत प्यारा सेटिंग अरेंजमेंट यहाँ पे कर सकते हैं। अगर मैं बात करूँ हमारे सामने की व्यू की, बहुत ही अच्छा आपको यहाँ पे व्यू मिलने वाला है, साथ ही साथ लाइट एंड वेंटिलेशन प्रॉपर वे में मिलती रहेगी। अगर मैं बात करूं तो मेरे लेफ्ट हैंड पे आप देख सकते हो यहाँ पर आपको नेचर पार्क जो है यहाँ पर मिलने वाला है। सो गाइज अगर मैं बात करूं ओमेक्स के प्रोजेक्ट की, तो वो अपने प्रोजेक्ट में ग्रीन एरिया को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। सो उनका कोई भी फ्लोर हो, विला हो या कोई भी चीज हो, सो उसके साथ आपको नियर में काफी अच्छे वेल मेंटेन पार्क मिल जाते हैं। अगर मैं बात करूं हमारी इस बालकनी की, तो ये बालकनी आपके ड्रॉइंग रूम प्लस आपके बेडरूम के साथ जो है अटैच रहने वाली है। तो गाइस ये देखा आपने हमारा ड्रॉइंग रूम, अब हम चलते हैं हमारे डाइनिंग एरिया की तरफ। बहुत ही रॉयल लुक के साथ जो है हमारे डाइनिंग एरिया को डिजाइन किया गया। आप देख सकते हो प्रॉपर प्लानिंग के साथ यहाँ पर इस पूरे डाइनिंग एरिया को डिजाइन किया हुआ है इंटीरियर वर्क के साथ। आप देख सकते हो 8 सीटर यहाँ पे जो है डाइनिंग टेबल लगा हुआ है, उसके बावजूद भी इतनी अच्छी मूविंग स्पेस मुझे यहाँ पर मिल रही है। सो गाइस इसी के साथ ही आप देख सकते हो यहाँ पर आपका काफी प्यारा जो है मिनी बार एरिया आ जाता है। आप चाहो तो उसका एज अ क्रोकरी एरिया भी बना सकते हो अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग। अगर मैं बात करूँ तो बार एरिया में आप देख सकते हो काफी अच्छी जो है आपको वाइन की कलेक्शन मिल जाती है। सो गाइस आप देख सकते हो कि इस स्पेस को कितनी अच्छी तरीके से यहाँ पे यूटिलाइज किया गया है, काफी अच्छी तरीके से जो है इसको डिजाइन किया हुआ है आर्टिफिशियल स्टैचूज के साथ। तो अब मैं बात करूँ हमारे डाइनिंग एरिया में, आप देख सकते हो काफी प्यारी आपको फॉल सीलिंग मिल जाती है, जिसपे काफी क्लासिक लुक का जो है आपको यहाँ पर शैंडेलियर मिल जाता है, जो आपके डाइनिंग एरिया को और भी ज्यादा रॉयल एंड लाविश लुक दे रहा है। साथ ही साथ अब हम चलते हैं हमारे फुली मॉडर्न किचन की तरफ। आप देख सकते हो काफी अच्छी मूविंग स्पेस मुझे यहाँ पे किचन के अंदर मिल जाती है। एंट्रेंस पे ही आपका रेफ्रिजरेटर एरिया आ जाता है, यहाँ पे आप सिंगल प्लस डबल डोर का रेफ्रिजरेटर इजीली यहाँ पर रख सकते हैं। साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ दोनों ही साइड आपको काफी अच्छे हाइड्रोलिक कैबिनेट मिलने वाले हैं, स्पेस की आपको कोई भी कमी यहाँ पे नहीं रहने वाली है। अगर मैं बात करूँ टाइल वर्क की, काफी अच्छा यहाँ पे जो आपको टाइल वर्क मिल जाएगा, साथ ही साथ ग्रेनाइट मार्बल का काफी अच्छा यहाँ पर वर्क किया गया है। हॉब एंड चिमनी के लिए अलग से आपको प्रोविजन मिल जाता है। अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपकी जैगवार की सैनिटरी फिटिंग आ जाती है, काफी अच्छा यहाँ पर जो है आपको शिंक मिल जाता है। अगर मैं बात करूं लाइट एंड वेंटिलेशन के लिए, यहाँ पर आपको काफी अच्छी विंडो मिल रही है और साथ ही साथ यहाँ पर आपका एक डोर आ जाता है जो आपको आपकी बैक बालकनी के साथ जो है कनेक्ट करता है। सो गाइस इसी के साथ ही यहाँ पर हमारी बैक बालकनी आ जाती है, जो आपके किचन प्लस आपके दो बेडरूम के साथ अटैच रहने वाली है। अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर भी बहुत ब्यूटीफुल से जो है फ्लावर्स वगैरह लगाए गए हैं। सो गाइस इसी के साथ ही यहाँ पर आपको काफी अच्छा झूला जो है देखने को मिल रहा होगा। साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ सिटिंग का, काफी अच्छा यहाँ पे अरेंजमेंट किया गया है, काफी अच्छा सेंटर टेबल लगाया गया है। अगर मैं बात करूँ 4 सीटर जो है चेयर्स लगाई गई हैं, आप अपनी फैमिली के साथ मॉर्निंग एंड इवनिंग की जो है चाय एंजॉय कर सकते हैं। अगर मैं बात करूँ तो काफी अच्छे जो है फ्लावर पॉट्स भी यहाँ पे लगाए गए हैं। एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगी कि अगर आप कभी भी अपर फ्लोर लेते हैं तो आपको उसके साथ एक बेनिफिट मिलता है कि आपको एक गार्डन एरिया मिल जाता है। साथ ही साथ अगर आप टॉप फ्लोर पे फ्लैट लेते हैं तो उसके साथ आपको एक रूफ टॉप मिल जाता है, तो ये बेनिफिट आपको इन दोनों फ्लैट के साथ प्रॉपर वे में मिलने वाला है। साथ ही साथ यहाँ पर आपको जो है अलग से एक टैब मिल जाती है, यहाँ पर आप चाहो तो अपनी पसंद के अकॉर्डिंग एक वॉशिंग एरिया भी क्रिएट कर सकते हो। सो गाइस ये देखा आपने हमारे किचन एंड बालकनी। अब देख सकते हो इस पूरे घर में आपको काफी अच्छा इंटीरियर वर्क देखने को मिल जाएगा। इन्होंने इंटीरियर का इतना अच्छा वर्क किया हुआ है कि इन्होंने हर वॉल को इतना अट्रैक्टिव बनाया है। सो यहाँ पे काफी अच्छी जो है पेंटिंग लगाई हुई है, जो इस वॉल को और भी ज्यादा अट्रैक्टिव बना रही है। सो अब हम चलते हैं हमारे बेडरूम की तरफ। तो काफी स्पेशियस हमारा ये बेडरूम रहने वाला है। आप देख सकते हो किंग साइज बेड लगने के बावजूद भी काफी अच्छी मूविंग स्पेस यहाँ पर है। साथ ही साथ बेड बैक पे काफी अच्छा कुशन वर्क किया हुआ है, ग्रूव्स का काफी अच्छा वर्क किया गया है, जो आपकी बेड बैक को और भी ज्यादा अट्रैक्टिव एंड रॉयल बना रही है। अगर मैं बात करूँ तो ग्रेइश थीम के साथ हमारा ये बेडरूम तैयार किया गया है। साथ ही साथ फॉल सीलिंग आप देख सकते हो बहुत ही ब्यूटीफुल यहाँ पे फॉल सीलिंग की गई है, जिसमें काफी अच्छी फोकस लाइट का यूज है। आपको यहाँ पर काफी अच्छी जो है इनबिल्ट वार्डरोब पे मिल जाते हैं, काफी स्पेशियस आपकी वार्डरोब रहेंगी, ये आपको एज इट इज यहाँ पर मिल जाएंगी। इसी के साथ ही यहाँ पर आपका LED प्लस स्टडी टेबल आ जाता है, काफी अच्छा यहाँ पर आपको ग्रेइश थीम का वर्क देखने को मिल जाएगा।
यहाँ आपका स्टडी टेबल आ जाता है। अगर मैं बात करूँ स्पेस की तो स्पेस के लिए काफी अच्छे आपको ड्रॉज मिल जाते हैं, साथ ही साथ यहाँ पर आपका बुक शेल्फ आ जाता है। आप देख सकते हो कितनी ब्यूटीफुल यहाँ पर बुक कलेक्शन जो है रखी गई है, साथ ही साथ स्टोरेज के लिए यहाँ पर भी आपको काफी अच्छी जो है ड्रॉज मिल जाते हैं। अगर मैं बात करूँ, आप इस वॉल पे ध्यान दीजिए, बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से इस वॉल को जो है तैयार किया गया है। सो इसी के साथ ही आपका अटैच वॉशरूम आ जाएगा। तो काफी स्पेशल आपका ये वॉशरूम रहने वाला है जिसपे काफी अच्छा टाइल वर्क आपको मिल जाएगा। अगर मैं बात करूँ फिटिंग्स की तो जैगवार की सैनिटरी फिटिंग आपको मिल जाती है, साथ ही साथ सेंटर में आपकी सीट आ जाएगी, यहाँ पर आपकी वैनिटी आ जाएगी एंड यहाँ आपका शावर एरिया रहने वाला है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ तो लाइट एंड वेंटिलेशन के लिए आपको विंडो मिल जाती है। अगर मैं वैनिटी की बात करूँ तो यहाँ पर आपको LED लाइट के साथ आपका मिरर आ जाता है। इसी के साथ ही इस बेडरूम के साथ भी आपकी जो है बैक बालकनी अटैच रहने वाली है, जैसे कि मैंने आपको किचन से भी हमारी बालकनी दिखा दी थी। आप देख सकते हो ऑल ओवर इस बेडरूम का थीम बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल जो है तैयार किया हुआ है। अगर आपको ये बेडरूम थीम पसंद आ रहा है तो आप इस वीडियो से इंस्पायर होकर ऐसा ही सेम बेडरूम आप अपना बना सकते हो। अगर आपको ऐसे आइडियाज और भी चाहिए हो तो आप हमारे चैनल पे जाके वीडियोस देख सकते हैं, साथ ही साथ हमारा इंस्टाग्राम पेज भी है, आप उस पर भी काफी सारी वीडियोस देख सकते हैं। सो आपको और भी ज्यादा न्यू आइडियाज मिलते रहेंगे। सो गाइस यहाँ पर हमारा जो है फैमिली लाउंज एरिया आ जाता है। आप देख सकते हो बहुत ही क्लासिक लुक का, बहुत ही प्यारा एंड क्लासिक लुक का आपका फैमिली लाउंज एरिया आ जाता है। अगर मैं बात करूँ सो हर एक चीज को प्लानिंग के साथ यहाँ पर डिजाइन किया हुआ है। अगर मैं वॉल की बात करूँ सो पहली बात तो व्हाइट कलर का यहाँ पे काफी अच्छा यूज किया गया है, जो आपके स्पेस को और भी ज्यादा लाइक स्पेशियस बनाता है। साथ ही साथ काफी डिसेंट सी यहाँ पे पेंटिंग लगाई गई है जो आपकी वॉल को और भी ज्यादा ब्यूटीफुल बना रहा है। काफी ब्यूटीफुल सी जो है यहाँ पर आपको लाइटनिंग मिल जाएंगी। अगर मैं बात करूँ फॉल सीलिंग की, काफी अच्छी फॉल सीलिंग की गई है। सो अगर आप फैन देखेंगे काफी मॉडर्न लुक का यहाँ पे जो है फैन लगाया गया है। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो 7 सीटर यहाँ पे सोफा लगाया हुआ है, साथ ही साथ सेंटर टेबल आप देखिए बहुत ही ज्यादा क्लासिक एंड बहुत डिसेंट सा बट अट्रैक्टिव आपका सेंटर टेबल आ जाता है। साइड पे भी आप देख सकते हो कि कितनी अच्छी तरीके से यहाँ पे जो है पार्टीशन किया हुआ है, हर एक छोटी चीज को यहाँ पे लगाया है। डक आप देख सकते हो कितना ब्यूटीफुल जो है मिरर वर्क के साथ डक यहाँ पर आपको मिल जाएगा, बहुत ही ब्यूटीफुल। ऑल ओवर अगर मैं बोलूँ सो ब्यूटीफुल वर्ड भी इसके लिए बहुत ही छोटा रहने वाला है। तो यहाँ पर आपका कॉमन वॉशरूम आ जाता है, जो आपके ड्राइंग डाइनिंग एरिया के साथ साथ आपके सेकंड बेडरूम के साथ जो है अटैच रहने वाला है। सो यहाँ पर आपका काफी स्पेशल जो है वॉशरूम आ जाता है। आप देख सकते हो काफी अच्छा आपको वॉशरूम स्पेस मिलने वाला है। यहाँ पर आपकी वैनिटी आ जाती है जिसपे आपको LED लाइट के साथ आपका मिरर आ जाता है, साथ ही साथ काफी अच्छा टाइल वर्क यहाँ पे किया गया है। यहाँ पर आपकी सीट आ जाएगी और यहाँ आपका शावर एरिया रहेगा। लाइट एंड वेंटिलेशन को ध्यान में रखते हुए आपको काफी अच्छी विंडो मिल जाती है। तो यहीं से हम हमारे जो है बेडरूम की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर हमारा सेकंड बेडरूम आ जाता है, ये भी काफी ज्यादा स्पेशियस रहने वाला है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ तो काफी अच्छा इंटीरियर वर्क यहाँ पे किया गया है। तो आप देख सकते हो बेड बॉक्स पे काफी अच्छा जो है वर्क किया गया है, काफी अच्छा पेंट यहाँ पे यूज किया गया है, साथ ही साथ काफी अच्छा सेंटर में आपको वॉच मिल जाएगा। अगर मैं बात करूँ तो साइड में आप देख सकते हैं काफी अच्छी फोकस लाइट यहाँ पे यूज की गई है। POP का काफी अच्छा वर्क यहाँ पे किया हुआ है, जो आपकी बेड बैक को और भी ज्यादा ब्यूटीफुल एंड सुंदर बना रहा है। अगर मैं बात करूँ तो काफी अच्छी यहाँ पे आपको स्पेस मिल जाती है, काफी अच्छी मूविंग स्पेस मिल जाती है। सो यहाँ पर इन्होंने दोनों ही साइड काफी अच्छे सेटिंग अरेंजमेंट किए गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो एक चेयर एंड टेबल लगाया गया है, साथ ही साथ वहां पर आपका एक मिनी सोफा आ जाता है एंड स्टडी के लिए यहाँ पर आपको काफी अच्छा स्टडी टेबल मिल जाता है, काफी अच्छे लैम्प के साथ काफी ब्यूटीफुली जो है हमारी वॉल्स को भी तैयार किया गया है। सो यहाँ पर काफी अच्छा आपको जो है LED पैनल मिल जाता है, जिसमें काफी प्यारा जो है थीम चूज किया गया है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपको बुक शेल्फ भी मिल जाता है, आप अपनी बुक की कलेक्शन इजिली यहाँ पर रख सकते हैं। सो गाइस इसी के साथ ही आपको इस बेडरूम में भी काफी अच्छी फॉल सीलिंग मिल जाती है, जिसमें काफी अच्छी फोकस लाइट आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। सो गाइस ये देखा आपने हमारे सेकंड बेडरूम, अब हम चलते हैं हमारे थर्ड बेडरूम यानी मास्टर बेडरूम की तरफ। यहाँ पर हमारा मास्टर बेडरूम आ जाता है। आप देख सकते हो कि एंटर करते सबसे पहले आपको यहाँ पे वुडन की काफी अच्छी फ्लोरिंग मिल जाती है, साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर किंग साइज बेड लगने के बावजूद काफी अच्छी मूविंग स्पेस है।
और आप देख सकते हो बेड बैक पे काफी अच्छा पीओपी का वर्क किया गया है, काफी अच्छी पेंटिंग यहाँ पे लगाई गई है। अगर मैं बात करूँ साइड में काफी अच्छे फैंसी लाइट्स यहाँ पे लगाए गए हैं। फॉल सीलिंग की बात करें तो क्लासिक लुक में हमारी फॉल सीलिंग को तैयार किया गया है, जिसमें काफी अच्छी कॉब लाइट का यहाँ पे यूज किया गया है, काफी अच्छे फैंसी फैन यहाँ पे लगाए गए हैं। सो यहाँ पर आपको प्रॉपर वे में जो है इनबिल्ट वार्डरोब भी मिलने वाली, काफी स्पेशियस आपकी वार्डरोब रहेंगी। सो यहाँ पर भी काफी अच्छी आपको जो है ह्यूज साइज की विंडो मिल जाती है यूपीवीसी ग्लास के साथ, और सेंटर में ही यहाँ पर आपका जो है स्टडी टेबल आ जाता है। अगर आप चाहे तो इसको एज अ किड्स रूम भी बना सकते हैं। सो आपके बच्चों के लिए काफी अच्छा यहाँ पे स्टडी अरेंजमेंट भी किया गया है, स्टोरेज काफी अच्छी मिल जाती है आपको इसके अंदर। साथ ही साथ इस बेडरूम के साथ भी आपको एक अटैच वॉशरूम मिलने वाला है, तो यहाँ पर भी आपको काफी अच्छा जो है वॉशरूम साइज मिल जाता है, जिसपे काफी अच्छा टाइल वर्क किया गया है। अगर मैं बात करूँ तो काफी अच्छी आपको यहाँ पे लाइटनिंग भी मिल जाती है। सो वैनिटी की बात करूँ तो यहाँ पर भी आपको जो है एलईडी लाइट के साथ वैनिटी मिल जाती है, और यहाँ पर सेंटर में आपका जो है सीट एरिया आ जाएगा एंड आपका साइड में जो है शावर एरिया रहेगा। तो गाइस ये देखा आपने हमारा 24 स्क्वायर यार्ड का 3 BHK प्लस सर्वेंट रूम, बहुत ही लग्जरियस अपार्टमेंट। आई होप आपको हमारा ये फ्लैट बहुत ही ज्यादा पसंद आया होगा। गाइज इसी के साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगी इसके नियर आपको काफी अच्छी जो है ऑपरेशनल मार्केट मिल जाएगी, जहाँ से आप डेली नीड की परचेज कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ तो आपको फुली गेटेड सोसाइटी आपको यहाँ पर मिलने वाले, 24/7 आपको वाटर सप्लाई, पावर बैकअप एंड सिक्योरिटी गार्ड जो है यहाँ पर 24/7 मिलने वाला है। साथ ही साथ आपको ऑपरेशनल क्लब हाउस जो है आपको यहाँ पर मिलने वाला है, जिसमें आपको काफ़ी सारी अमेनिटीज मिल जाएंगी और काफ़ी अच्छे ग्रीन वेल मेंटेन पार्क मिल जाएंगे। सो गाइज अगर आप इस फ्लैट को अपना बनाना चाहते हो तो स्क्रीन पर आपको एक नंबर दिख रहा होगा, आप उस नंबर पर जो है कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, बेस्ट डील एंड बेस्ट सर्विस पा सकते हैं और जल्द से जल्द इस फ्लैट को अपना बना सकते हैं। थैंक यू सो मच।